हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म स्पेंसर कॉन्फिडेंटल के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस फिल्म में, जिस वजह से आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है, इस एक्शन कॉमेडी फिल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। अब पता नहीं नेटफ्लिक्स ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे हिंदी में डब होना चाहिए था, और ये बात हमें इस फिल्म के ट्रेलर से भी पता चलती है। लेकिन अफसोस, ऐसा हुआ नहीं। और जी हाँ, ये फिल्म बच्चों के साथ देखने के लायक की बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब बाकी की डिटेल्स की बात करने से पहले आ जाते हैं फिल्म के प्लॉट पर, जिसमें कहानी का फोकस मार्क वेलबर्ग के कैरेक्टर स्पेंसर पर किया गया है, जो कि एक एक्स पुलिस ऑफिसर था, जिसे पुलिस की नौकरी से निकालकर सीधे उठाकर जेल में डाल दिया गया है। जिसका रीजन है के केस को स्पेंसर ने काफी ज्यादा सीरियस ले लिया था, जिसके कारण से उसने अपने से बड़े ऑफिसर पर हाथ उठा दिया। लेकिन अब उसकी सजा खत्म हो गई है, जहां से वो सीधे निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड केसी के घर पर नहीं बल्कि अपने पुराने दोस्त हेनरी के घर पर छुपकर रहने जाता है, क्योंकि केसी एक हिसाब से पागल है, जिसे स्पेंसर अब और नहीं झेल सकता। बट हेनरी के पास जाते के साथ में उसे ये पता चलता है कि उसे अपना रूम शेयर करना होगा हॉक नाम के कैरेक्टर के साथ, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले सीरीज में विंस्टन ड्यूक ने प्ले किया है। और हाँ, हेनरी के कैरेक्टर का रोल प्ले एलन अर्किन ने प्ले किया है इस फिल्म में। और इसी के ट्रेलर में हम डायलॉग सुन सकते हैं बैटमैन, रॉबिन और अल्फ्रेड का, जिस जोक पर अगर हम ध्यान देकर इस पूरी फिल्म को देखें तो एक तरीके से ये फिल्म उसी प्लॉट पर चलती है, जहां पर अब मार्क वेलबर्ग का कैरेक्टर स्पेंसर दो मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, जो इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं बल्कि एक आम नागरिक के हिसाब से ही कर रहा है, क्योंकि ना चाहते हुए भी स्पेंसर खुद को इन क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से रोक नहीं सकता, क्योंकि इस बार इन्वेस्टिगेशन वो दो पुलिस वालों के मर्डर का कर रहा है, जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर वही थे जिस पर स्पेंसर ने हाथ उठाया था। यानी एक तरीके से स्पेंसर भी शक के घेरे में है। तो अब क्या स्पेंसर हॉक के साथ मिलकर इन दोनों मर्डर्स की मिस्ट्री को सॉल्व कर भी पाएगा या नहीं, वो जानने के लिए देखनी पड़ेगी आपको ये फिल्म स्पेंसर कॉन्फिडेंटल, जिसके ट्रेलर को ही देखकर मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन फिल्म को देखकर मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और जो मैंने सोचा था इस फिल्म को, ये फिल्म बिल्कुल वैसी नहीं निकली। तो इस डिटेल को समझने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर की, जो कि और कोई नहीं बल्कि पीटर बर्ग है, जिन्होंने अपने करियर में हॉलीवुड की काफी बेस्ट से भी बेस्ट एक्शन फिल्में बनाई है। और ये लिस्ट है वेन जॉनसन की वेलकम टू द जंगल यानी द रनडाउन फिल्म की, उसके बाद किंगडम, हैंडकॉक, बैटलशिप, पैट्रियट्स डे, डीप वाटर हॉरिजॉन, लोन सर्वाइवल और माइल 22। वेल, इन सभी फिल्मों से आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि पीटर बर्ग इस टाइप की एक्शन फिल्में बनाते हैं। हालांकि उनका करियर फिलहाल तो अभी हॉलीवुड में कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए 2018 की आई हुई फिल्म माइल 22 के बाद उन्हें कोई भी दूसरी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए नहीं मिली थी। बट अब फाइनली नेटफ्लिक्स की तरफ से उन्हें स्पेंसर कॉन्फिडेंटल जैसी फिल्म डायरेक्ट करने दी गई, जिस फिल्म में एक्शन तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन इस बार पीटर बर्ग ने अपनी क्रिएटिविटी फिल्म के प्लॉट में दिखाई कि वो स्टोरी बेसिस फिल्मों को भी अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली उन्होंने किया भी है। लेकिन इस फिल्म की अगर बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स की बात करें तो फिल्म की प्रॉब्लम ऑब्वियसली कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट है, जिसमें मार्क वेलबर्ग के कैरेक्टर स्पेंसर को तो थोड़ा अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है, लेकिन विंस्टन ड्यूक के कैरेक्टर हॉक की कोई भी बैक स्टोरी नहीं है, और ना ही ये डिटेल दी गई कि क्यों वो इन सभी झमेलों में पड़ना चाहता है। ऐसा ही बाकी कुछ हेनरी के कैरेक्टर में भी आपको देखने मिलता है, और हाँ, फिल्म के विलन्स में भी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये वन टाइम वॉच और अच्छी खासी टाइम पास फिल्म है, जिसे देखकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। और जी हाँ, फिल्म इसी तरीके की होनी चाहिए। तो शायद हो सकता है कि इस फिल्म के बाद फिल्म के डायरेक्टर पीटर बर्ग के करियर में कुछ और अच्छी फिल्में भी आए, और हाँ, डेफिनेटली उन आने वाली फिल्मों में हमें मार्क वेलबर्ग ही देखने मिलेंगे, क्योंकि पीटर बर्ग की आधी से ज्यादा फिल्मों में हमने मार्क वेलबर्ग को ही देखा है, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि फिल्म के डायरेक्टर पीटर बर्ग और मार्क वेलबर्ग के बीच फ्रेंडशिप कितनी ज्यादा गहरी है। और अब इसके अलावा फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो जी हाँ, फिल्म का डायरेक्शन भी अच्छा है और सभी एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस भी। इसके अलावा फिल्म के बीजीएम और सॉन्ग्स भी फिल्म में अच्छे डाले गए हैं, और फिल्म की लेंथ को भी कम रखकर हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया गया। यानी फिल्म की एडिटिंग भी अच्छी है, बस ये फिल्म मार खाती है इसके वही पुराने घिसे पीटे प्लॉट की वजह से, और हाँ, कैरेक्टर डेवलपमेंट की वजह से भी। खैर, तो ये एक सिंपल सी फिल्म है, इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा कर कोई मतलब बनने वाला है नहीं। इसलिए सीधे आते हैं इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो जैसे कि मैंने कहा, पीटर बर्ग की डायरेक्ट की गई फिल्म में हमें इस बार ज्यादा एक्शन देखने नहीं मिला है, इसलिए एक्शन को मैं 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। और आ जाए कॉमेडी पर, तो फिल्म की कॉमेडी मुझे अच्छी लगी, जिसके चलते कॉमेडी को मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा। और बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा यहाँ पर 5 में से 2 स्टार ले जाते हैं, क्योंकि कहानी में नया कुछ भी नहीं है। ये फिल्म बस एक सिंपल सी बड़ी कॉप फिल्म जैसी है। और हॉरर की रेटिंग 5 में से 0 स्टार की रहेगी, क्योंकि फिल्म में हॉरर जैसा कुछ भी नहीं। और अब आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस को मैं 5 में से 1 स्टार दूंगा, क्योंकि फिल्म बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, और फिल्म के सेकंड एक्ट के बाद ही हमें ये पता चल जाता है कि फिल्म का एक्चुअल विलन है कौन। और इसके अलावा बात करें मासस ऑडियंस की, तो जी हाँ, ये फिल्म मासस ऑडियंस को पसंद आई।
आएगी, जिसके चलते उनके नजर में इस फिल्म की रेटिंग B+ की रहेगी। और बात करें क्रिटिक्स की, तो सभी को पता है कि यह फिल्म क्रिटिक्स को कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई है, इसलिए उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग C की है। और बात करें मेरी, तो मैं इस फिल्म को सीधे सीधे C+ की रेटिंग दूंगा, जिसकी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो अब आपकी क्या राय है स्पेंसर कॉन्फिडेंटल फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको क्या ये फिल्म पसंद आई भी है या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।